वीडियो के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। एनर्जी के एक फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करेंगे, दूसरे फॉर्म में। मतलब हम जब बात करेंगे वर्क की तो वर्क में भी यही होगा, उसमें भी एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले तो हम आपको वैसे एक फॉर्मूले के तौर पर बता देते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है। तो मान लिया कि हमारे द्वारा हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है ना, हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा डीडब्ल्यू वर्क किया जा रहा है। कितना वर्क किया जा रहा है, डीडब्ल्यू वर्क किया जा रहा है। तो ये कब किया जाएगा, कब किया जाएगा, जब सिस्टम का प्रेशर होगा पी और सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज होगा डीवी, वॉल्यूम में चेंज होगा डीवी, ठीक है। तो डीडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी डॉट डीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डीडब्ल्यू, ठीक है ना, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, उसी को हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल कितना प्रेशर लगा इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कितने का चेंज हुआ, वॉल्यूम में कितने का चेंज हुआ, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू हम चेंज का निकालते हैं, तो dW इज इक्वल टू p डॉट dv। ऐसे नहीं मान लेना, नहीं बोल दो, मान गए नहीं माने हां भाई, आज तक हम ही कहते हैं साइंस का स्टूडेंट कैसे कैसे मान लेगा, चलो नहीं माने फिलहाल, याद रखना dW लेकिन हम मान पाएंगे, घबरा हो। मान लीजिए आप एक पिस्टन लेते हैं, सॉरी एक सिलेंडर लेते हैं, आइए आपको मनवाते हैं, गुस्सा है लोग अच्छे तो मान जाओ। एक सिलेंडर दिया, सिलेंडर के अंदर था गैस, अरे मान जाओ, देखो सिलेंडर के अंदर था गैस। अब देखना भैया, इस गैस पे हमने लगा दिया एक पिस्टन। पिस्टन कैसा होगा, मूव कर सकता है, पिस्टन कैसा होगा, मूव कर सकता है, इट इज अ मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, कैसा पिस्टन, जो आसानी से मूव कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। तो एक पिस्टन लगा दिया, ठीक, मान लिया कि अंदर का प्रेशर है अंदर का प्रेशर क्या है, पीडेस। अब कुछ देर के बाद से क्या करना है, गैस इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पिस्टन हम यूज कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। अब गैस इस पिस्टन को ऊपर पुश कर रहा है, पिस्टन उतर के यहां आ गया, पिस्टन उतर के कहां आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है। तो पिस्टन के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना चला गया, कितना चला गया डीएल, ठीक है। तो चलिए जो बोला है वो लिख लें, लेट अस कंटेनर लिख क्या है, सुन लो इसमें क्या लिख दिया, लेट अस टेक अ कंटेनर लिख दे, आओ चलो लिख दे, लेट अस टेक अ कंटेनर हां फिल्ड विद गैस moving piston is attached at the mouth of container. Mouth of container. ठीक है ना, when
when P pressure is applied, P pressure is applied by gas. Sorry, the cross section area of piston is A. इसके बारे में भी आपको बता देते हैं. The cross section area. Cross section area of piston is A. अब गैस के द्वारा भी पी प्रेशर लगाया जा रहा है. कितना प्रेशर लगाया जा रहा है? पी प्रेशर लगाया जा रहा है. तो फिर पी प्रेशर इज अप्लाइड बाय द गैस. पी प्रेशर इज अप्लाइड बाय द गैस. गैस के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है? पी प्रेशर लगाया जा रहा है. तो पिस्टन जो है वो ऊपर उठ रहा है. कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है? डीआर. पिस्टन सफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डीएल. डीएल डिस्प्लेसमेंट. डीएल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब चलो भैया, पिस्टन ने कितना दूरी चल दिया? डीएल चल दिया. कितना चल दिया? डीएल चल दिया. ठीक है. तो फोर्स कितना हो जाएगा? सॉरी, वर्क डन कितना होगा? चलो वर्क कितना होगा चलने में? वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. दूरी कितना हो रहा है? डी एल. फोर्स कितना है? एफ. एफ चलो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स पर एरिया. तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इनटू ए. दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू पी इनटू ए. प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर इनटू एरिया. तो वर्क डन, वर्क डन डी डब्ल्यू. वर्क डन डी डब्ल्यू. कितना वर्क डन? डी डब्ल्यू. एक बार और देखिए क्या कहा हमने. हमने ये कहा है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क में कितना वर्क होगा, दैट इज इक्वल टू कितना प्रेशर लगेगा और कितना चेंजिंग वॉल्यूम होगा. ठीक है ना. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट डी. इसको हम प्रूफ कर रहे हैं. तो एक कंटेनर दिया गया है. कंटेनर में गैस फिल किया गया है. ठीक है. ऊपर में मूविंग पिस्टन लगाया गया है. गैस पिस्टन पे प्रेशर लगा रहा है. पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए. गैस पिस्टन पे प्रेशर लगा रहा है. पिस्टन ऊपर उठ रहा है. पिस्टन किधर उठ रहा है? ऊपर उठ रहा है. पिस्टन के द्वारा जो डिस्टेंस चला गया वो कितना है? डी एल. डिस्प्लेसमेंट कितना चला गया? डी एल. कितना चला गया? डी एल. ठीक है ना. अब ध्यान दीजिएगा. तो वर्क डन कितना होगा चलने में? इसको वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स 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 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर इनटू एरिया इनटू डायरेक्ट. तो ये मालूम है इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट. हाँ जी बिल्कुल सही समझ रहा है. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर पी एरिया ए डिस्प्लेसमेंट डी एल. ए इंटू डी एल क्या होगा? डी. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी. मान गया. अब तो मान गया है ना. तो प्रूफ कर दिया. अभी मान जाओ यार. तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? पी डॉट डी. डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डी. एक बात का ख्याल रखिएगा. जब गैस यानी कि जब सिस्टम वर्क करेगा, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि गैस खुद ऊपर उठ रहा है. गैस क्या हो रहा है? खुद ऊपर उठ रहा है. यानी कि वर्क किसने किया? सिस्टम ने वर्क किया है. वर्क किसने किया? सिस्टम ने वर्क किया है. तो जब भी आपका सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी में लॉस होगा. सिस्टम की एनर्जी में लॉस होगा. और उस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन. उस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या साइन यूज करेंगे? क्या साइन दे दिया? माइनस. क्या साइन दे दिया? माइनस. ठीक है ना. फिर से सुनिए. जब सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा और उसके लिए हम उसको साइन देंगे माइनस. क्या साइन देंगे? माइनस. तो ये जो फॉर्मूला मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल टू P dot dB ये आपको ऐसे मिलेगा. dW is equal to minus P dot dB.
माइनस पी डॉट डीवी। यहां नेगेटिव साइड क्या बताएगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये दे रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। और वही अगर हम सिस्टम में वर्क करें, मतलब हम पिस्टन को दबा करके नीचे कर रहे हैं, रियल डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। समझे, मिसालों को समझिए, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब हमारे द्वारा किया गया काम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, मतलब जो कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट होगा, यानी कि एनर्जी हमारे से कहां गया, सिस्टम में गया, हमारे से कहां गया, सिस्टम में गया, ठीक है ना। तो साइन आप क्या ले लेंगे, क्योंकि सिस्टम एनर्जी पा रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, सिस्टम तो पा रहा है, तो आप क्या साइन कर लेंगे, पॉजिटिव। तो आप क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस बी पी डॉट डी पी डॉट डी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस पी डॉट डी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डी। दो तरीके का वर्क आपको मिला हुआ है, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी बी, एंड वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम, लिख देता हूं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम वर्क किस पे होगा, सिस्टम पर होगा, तो जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसे पता, क्योंकि सिस्टम वर्क करेगा तो उसके इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा, और हम वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी गेन करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो साइन को आप क्या देंगे, पॉजिटिव। क्या नाम, क्या साइन दे दिया, पॉजिटिव। तो दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। यही वर्क आपको एक और काम दे देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालिएगा, वी वन और वी टू के टर्म में, और वी वन और वी टू के टर्म में आपको वर्क डन मिलेगा, वो आप निकालिएगा, ठीक है ना। सो प्रेशर वॉल्यूम